वी इज इक्वल टू आई आर, आर की डायमेंशन निकालनी है तो आर को लिखा मैंने वी अपॉन आई। वी हर बार जब भी वी आता है तो मैं भूल जाता हूँ डायमेंशन, और आप भी भूल जाओगे, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भूलो चाहे याद करो, समझ लो। तो बताओ कैसे, वी वर्कडन पर यूनिट चार्ज, ये रहा वर्कडन, एम एल टू टी माइनस टू, वर्कडन और एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी एटी, और आई ये तो करंट है, इसकी भी डायमेंशन ए से लिखेंगे, ए एम्पियर, तो क्या बन गया ये एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन और ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन। सिर्फ इतना याद रखना वी इज इक्वल टू आई आर करना है, और उसके बाद वी और आई की तो पता ही है, आर की निकाल लेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अभी तक किसी को डाउट, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन, राठौड़ सुख राठौड़ सुखमंतला, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट टाइप इट आउट, आप उसको चैट में टाइप कर दो, वट एवर डाउट विल बी देयर आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो अभी तक आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही तो डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, नथिंग एल्स। मूव ऑन करते हैं हम लोग अगली क्वांटिटी पे। मैंने बोला था कि आर एक बार निकल आया तो आर इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए से हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर हमको पता है, एल पता है, ए पता है, क्या ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, तो उस वायर का, उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या करें बताओ, आर अभी हम लोगों ने निकाली, आर अभी हम लोगों ने निकाली एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, रो हमको निकालना है, रो हमको निकालना है, एल अपॉन ए ऊपर लेंथ नीचे एरिया एल स्क्वायर, एल से एल स्क्वायर कट जाएगा, काट देते हैं एक एल, एक एल बचेगा इधर ले आओगे, तो ये बन जाएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकल आएगी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं अगली क्वांटिटी, ये भी हो गया भाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जो मटेरियल ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है, ये तो बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्स फिनोमेना है। तो रेजिस्टिविटी अभी हम लोगों ने निकाला रो, तो कंडक्टिविटी सिग्मा उसका इनवर्स होती है, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो। तो अगर आपको रो पता है तो सिग्मा भी निकल आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो से। तो क्या करें, रो भी हम लोगों ने निकाला था भैया, ये रहा रो, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इसका इनवर्स कर दें, तो इनवर्स करने में क्या बड़ी चीज करनी है, जहां एम की पावर वन है वो एम की पावर माइनस वन बन जाएगा, एल की पावर थ्री है ये एल की पावर माइनस थ्री बन जाएगा, टी की पावर माइनस थ्री ए टी की पावर प्लस थ्री बन जाएगा, ए की पावर माइनस टू है ये ए की पावर प्लस टू बन जाएगा। तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी आ गई और रेजिस्टिविटी भी आ गई। तो इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में किन की जरूरत पड़ती थी भाई, सेल के ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ज्यादा ज्यादा एक और टर्म जरूरत पड़ सकती, करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी, निकेश हरिकेश प्रजापति, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। हरिकेश प्रजापति जस्ट मैंने अभी जो जस्ट मैंने क्लास अभी ली थी उसमें डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी की थी, बट अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो विस्कोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओ स्टोक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर वी। अगर आपको विस्कस फोर्स लिक्विड की लेयर के बीच में विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर वी का फॉर्मूला पता है तो आप विस्कोसिटी बड़ी इजीली निकाल सकते हो। एफ एम एल टी माइनस टू, सिक्स पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, ईटा निकालना है,
आर है रेडियस, एक बॉल की रेडियस, स्फेरिकल बॉल की, तो एल रख दो। वी है वेलोसिटी जितने से वो चल रही है, एल टी माइनस वन। सॉल्व कर लो, ईटा निकल आएगा, आता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में निकाली थी, तो हम लोग वो कर चुके हैं, मैकेनिक्स की निकाल चुके हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी कुछ निकाल चुके हैं। अभी ने बताया ना, सेल का ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, मैं बात कर रहा था करंट डेंसिटी की। ठीक, तो आई थिंक हो गया होगा। प्रजापति जी आपका हो गया, राठौर जी कोई डाउट, आगे बढ़े? ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी? रिकेश प्रजापति, यस नो, जो भी वो बता दो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली क्वांटिटी लेते हैं। मैं बता रहा था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में करंट जा रही है आई, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो करंट डेंसिटी जे इज डिफाइंड एज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। जितनी करंट जा रही है इसको नॉर्मल अक्रॉस ऐसे कट करते हुए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो जितनी करंट जा रही है पर यूनिट एरिया आई अपॉन ए, उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो करंट डेंसिटी मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं खाली। करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, बताओ क्या हुई डायमेंशन? तो कोई भी डायमेंशन याद नहीं रखनी भैया, ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर द बेसिक इक्वेशन, बेसिक फॉर्मूला, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन यू कैन डिराइव डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। बट स्टिल वी आर डूइंग फॉर ऑल क्वांटिटीज, क्लास 11th क्लास 12th में जितनी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है स्टिल मैं सबकी डायमेंशन निकलवा रहा हूं, जस्ट फॉर द मेयर फैक्ट कि एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी चीज है कि हमें जरूरत पड़ेगी डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन करने में, जो आज मैं हर हालत में खत्म करके रहूंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो करंट डेंसिटी बताओ क्या हुई? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई को मैंने रखा ए, नीचे एरिया ए रखा एल स्क्वायर, तो ए अपॉन एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो एल की पावर माइनस टू, तो एल टू द पावर माइनस टू, ए टू द पावर जीरो, एल टू द पावर माइनस टू, ए टू द पावर जीरो, ये हो गई हमारी करंट डेंसिटी। ठीक, तो आगे बढ़